दोस्तों एक्वेरियम्स की हेल्थ ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ पीएच। अब एज एन एक्वेरियस्ट आप अगर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे या आप अगर फेसबुक पे चेक करते होंगे तो पीएच ये शब्द आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना होगा। तो ये पीएच जो है ये बहुत ही क्रूशियल है व्हेन इट कम्स टू एक्वेरियम हेल्थ। तो आज हम पीएच के बारे में सब कुछ जानेंगे। So whether you are a beginner or an experienced aquarist, understanding pH is very important to keep your aquarium thriving. So चलिए समझते हैं कि ये pH exactly क्या है। Simply put, एक स्केल है जिसके ऊपर 0 to 14 ऐसे रीडिंग्स आते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आपका एक्वेरियम का पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। Now how does it matter for fish? बट बिफोर दैट पहले समझते हैं कि ये जो 0 to 14 के रीडिंग है इसमें 7 इज न्यूट्रल, 0 to 7 की जो रेंज है दैट इज एसिडिक एंड 7 to 14 की जो रेंज है दैट इज अल्कलाइन। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि पीएच और फिश का क्या लेना देना है। तो कुछ ऐसे फिश हैं जैसे कि कुछ टेट्रा वेराइटीज़ या बीटास जो स्लाइटली एसिडिक वाटर प्रिफर करते हैं, उनका पीएच रेंज अराउंड 6.5 to 7 होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे फिश है जो कि अल्कलाइन वाटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिकलेट्स, अफ्रीकन सिकलेट्स, तो इनके जो वाटर की रेंज है, पीएच की रेंज है, वो हम 7.5 to 8 ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। अब ये तो समझ गया कि ये पीएच क्या है, बट व्हाई डज दिस पीएच मैटर, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो भाई इस पीएच के कंधों पे आपके एक्वेरियम को हेल्दी रखने का पूरा पूरा भार रहता है। अगर आपका टैंक का पीएच सही है, आपके फिश के हिसाब से सही है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे फूड डाइजेशन में, ओवरऑल फिश की हेल्थ में, कलरेशन में, एंड इवन कुछ कुछ जगहों में रिप्रोडक्शन में भी। कोई फिश कभी अगर एक स्टेबल पीएच में सेट है और एकदम से पीएच पानी का चेंज हो जाए तो उस कंडीशन को हम पीएच शॉक भी कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पीएच चेंज होने की वजह से आपके एग्जिस्टिंग सेट फिश शॉक में आ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ उनकी हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है, फूड खाना वो छोड़ देते हैं, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अनईजी आपको आपके फिश टैंक में दिखेंगे। तो अगर ऐसा है तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पीएच? वेल, मेनी फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस योर पीएच, जैसे कि किस टाइप का सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप ड्रिफ्टवुड यूज़ कर रहे हैं या आपने किस टाइप का डेकोरेशन किया हुआ है, कौन से रॉक्स आपने यूज़ किए हैं, एंड सो ऑन। अब पीएच समझने के लिए अगर मैं क्लासिक एग्जांपल दूं तो हमारा जो टैप वाटर होता है वो स्लाइटली न्यूट्रल टू अल्कलाइन के बीच में होता है, एंड रेन वाटर इज़ ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक, मतलब उसकी जो पीएच रेंज है वो 0 to 7 के बीच में होती है, और टैप वाटर हमारा जो है उसकी जो रेंज है वो यूजुअली अराउंड 7 to 14 के रेंज में आती है। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए? तो वेल, मार्केट में आपको पीएच टेस्ट किट्स मिल जाएंगी या पीएच पेंस भी मिलते हैं, तो उसके थ्रू आप अपने पानी का, अपने एक्वेरियम के वाटर का एंड आपके सोर्स वाटर का पीएच चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी कर सकते हैं अगर आपके टैंक में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके टैंक का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो डरिए मत, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं, नेचुरली हम ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके टैंक का पीएच हम बैलेंस कर सके, फॉर एग्जांपल ड्रिफ्टवुड ऐड करना या ग्रेजुअल वाटर चेंजेस करना। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपका टैंक का पीएच अगर हाई या लो है और आपको उसको चेंज करना है तो उसको धीरे धीरे चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप। इमीडिएटली अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिश को बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। एक चैलेंज और है, आपके एक्वेरियम को एक हेल्दी पीएच ही मिलना ज़रूरी नहीं है, तो उसको आपको थ्रू आउट मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको रेगुलर वाटर चेकिंग, रेगुलर पीएच टेस्टिंग करने पड़ेंगे। ये इश्यूज़ आपके टैंक में मेजरली तब हो सकते हैं जब आप दो डिफरेंट रेंज के, पीएच रेंज के फिश को एक साथ लाकर अपने एक्वेरियम में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम पीएच की रिपोर्ट कैसे रखते हैं? तो हम एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं जिसमें हम पीरियोडिक रीडिंग्स लेते रहते हैं, एंड अगर कुछ ट्रेंड में कमियाँ ज़्यादा है, ऊपर या नीचे है, तो वो चीज़ हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ध्यान में रखते हैं एंड उसके ऊपर के ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब बात करूंगी कुछ मिथ वर्सेस रियलिटी की। तो एक ऐसा मिथ है, ऑल फिश कैन लिव इन द सेम पीएच। नो, इन फैक्ट देयर आर सेपरेट ग्रुप्स फॉर एसिडिक एंड अल्कलाइन पीएच रेंज। मिथ नंबर टू, पीएच डज नॉट मैटर इफ द वाटर इज क्लियर। इवन इफ योर टैंक वाटर इज क्लियर, पीएच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फिश हेल्थ।
सो टू क्विकली रिकैप, आज के वीडियो से हमने क्या सीखा? सो पीएच रेंज इज इम्पॉर्टेंट. हर फिश का अलग सेपरेट पीएच रेंज का ग्रुप होता है, और आपके एक्वेरियम के पीएच पे चेक रखने के लिए उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, पीरियोडिकली वाटर को चेक कीजिए, पीएच टेस्ट कीजिए, एक्वेरियम स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स कीजिए. अपने एक्वेरियम में ये एक चेंज इस मंथ करके देखिए, एंड आप ही मुझे सामने से बताएंगे दैट आपका एक्वेरियम पहले से ज़्यादा लाइवली लग रहा है, ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, आपके फिश के कलर्स चेंज हो चुके हैं, ब्राइट हो चुके हैं. फिश की पास अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी वापस आऊँगी एक ऐसा ही एक्वेटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर. तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग.